प्रधानमंत्री के कहे अनुसार लोगों ने जमकर बजाए थाली व ढोल मंजीरे। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री की थाली वाली बात ने जमके बजाए ढोल मंजीरे। प्रधानमंत्री की बातों का खासा असर पड़ा है। उन्होंने कहा था कि जनता 22 मार्च को समय जनता कर्फ्यू लगाए और शाम के 5 बजे के बाद थाली शंख बजाकर उन लोगों का हौसला अफजाई करें जो इस मुश्किल की घड़ी कोरोना पीड़ितों के साथ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद खुद भी नहीं सोचा होगा क्यों इनकी बात लोगों के जहन पर कितना गहरा असर डालेगी। आज शाम 5 बजने से पहले ही लोग घरों के छत पर लोगों का तांता लग गया। किसी के हाथ में प्लेट, किसी के हाथ में थाली थी, तो कोई ड्रम लिए पीट रहा था, तो कोई सवेरे से पसरे घोर सन्नाटे के बाद एकदम से यह हुए शोर शराबे ने लोगों में हिम्मत भर दी। आप तस्वीरों में यह देख रहे हैं कि यह सब हाथों में थाली लिए, कोई प्लेट लिए तो कोई ड्रम ली है, और यहाँ तक कोई शंख लिए अपने घर की छत पर खड़ी होकर बजा रहे हैं। महिलाएं ताली बजा रही हैं, पुरुष शंख बजा रहे हैं, तो बच्चे थाली बजा रहे हैं। यह अद्भुत नजारा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब पहली बार इतनी भारी संख्या में लोग अपने घर की छत पर खड़े होकर कोरोना पीड़ितों के साथ खड़े लोगों के हौसला अफजाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में आप घर में रहिए और जो करोड़ों के साथ खड़े हैं, जैसे कि पुलिस जवान, डॉक्टर, कंपाउंडर और पत्रकार, 5 मिनट खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाने के लिए थाली बजाइए और ताली बजाइए। शाम के 5 भी नहीं बजा कि लोग छतों पर इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते थाली और ताली से पूरा शहर गूंजने लगा। हर तरफ एक खुशनुमा सा माहौल बन गया। सुबह से पसरे सन्नाटे के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जिससे लोगों में काफी खुशी देखी गई। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। देखो।